Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वागत है आप सभी का मानव संसाधन प्रबंधन के इस व्याख्या संख्या चौदह में मैं डॉक्टर सुप्रिया जैन जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा से आज के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे कलेक्टिव बारगेनिंग की जिसको हम सामूहिक सौदेबाजी भी कहते हैं बात करते हैं आज के किए जाने विषयों पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय की इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे कलेक्टिव बारगेनिंग का क्या है परिचय है सामूहिक सौदेबाजी की अवधारणा परिभाषाएं क्या हैं क्या बेसिक कंसेप्ट और उसके डेफिनेशनस हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कर्मचारी यूनियनों में क्यों शामिल होते हैं जो कलेक्टिव बार्गेनिंग्स हैं या वर्कर्स जो हैं वो यूनियंस क्यों ज्वाइन करते हैं जबकि हमारा जो व्याख्यान नंबर तेरह था उसमें हमने ट्रेड यूनियंस के बारे में ही बात करी थी फिर भी हम पुनः यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे कि जो कर्मचारी हैं वो यूनियंस क्यों ज्वाइन करते हैं या ज्वाइन करने से उनको क्या लाभ होते हैं इसके बाद हम चर्चा करेंगे सामूहिक सौदेबाजी के लाभ के बारे में इससे आ, क्या बेनिफिट्स और एडवांटेजेस मिलते हैं किसी भी संगठन को किसी भी कर्मचारी को सामूहिक सौदेबाजी के उद्देश्य और विशेषताएं क्या हैं इसके बेसिक फ़ीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे इसके साथ ही हम सामूहिक सौदेबाजी के प्रकारों के बारे में बात करेंगे कितने प्रकार से कितने टाइप के ये कलेक्टिव बारगेनिंग की जा सकती है आगे हम इसमें चर्चा करेंगे सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया क्या है क्या प्रोसेस हम अपनाते हैं सौदेबाजी का रिश्ता विकसित करना जिसके कि हम रिलेशनशिप बारगेनिंग डेवलप करने में हम मदद करेंगे कि कैसे एक रिलेशनशिप बारगेनिंग डेवलप की जाती है बातचीत की तैयारी किस प्रकार से की जाती है बातचीत के चरण क्या हैं क्या डिफरेंट स्टेजेस हैं जिनको हम जानने की कोशिश करेंगे इसके साथ ही हम सामूहिक समझौतों के बारे में चर्चा करेंगे और भारत में सामूहिक सौदेबाजी की प्रथा कैसी है किस तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रैक्टिस को हमारे कंट्री में फॉलो किया जाता है इन सब विषयों पर आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे इन विषयों पर चर्चा करने से पहले जान लेते हैं कि इस व्याख्यान के बाद क्या उद्देश्य आपके पूरे होंगे क्या ऑब्जेक्टिव्स आप अटेन कर पाएंगे सामूहिक सौदेबाजी की अवधारणाओं को आप समझ सकेंगे आप समझ सकेंगे कि इसका एक बेसिक कंसेप्ट क्या है क्यों हम इसको संगठनों में लागू करते हैं या इससे क्या हमें एडवांटेजेस मिलते हैं इसके साथ ही आप जान पाएंगे कि इसके विशेषताएं क्या हैं इसके उद्देश्य क्या हैं इसको करने के पीछे क्या कारण होते हैं किस उद्देश्य के साथ इसे किया जाता है सामूहिक सौदेबाजी के विभिन्न प्रकारों के बारे में आप जान पाएंगे कितने टाइप के ये कलेक्टिव बार्गेनिंग है किस किस प्रकार से की जा सकती है किसी भी संगठन में आप जान पाएंगे सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया इसका प्रोसेस क्या है इसकी पूरी जानकारी आपको आज के व्याख्यान से हो पाएगी और साथ ही भारत में सामूहिक सौदेबाजी की प्रथाओं को आप समझ सकेंगे कि भारत में किस प्रकार से इसकी प्रैक्टिसेस को लागू किया गया है तो शुरुआत करते हैं परिचय से सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि सामूहिक सौदेबाजी है क्या इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग किस प्रकार से की जाती है तो आप ये जवान जानने की कोशिश कीजिए कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इज स्पेशली स्पेसिफिकली एन इंडस्ट्रियल रिलेशन mechanism और टूल एंड is एन aspect ऑफ negotiation applicable टू employment रिलेशनशिप जो ट्रेड यूनियन होता है जिस प्रकार से वो अपनी बात को रखता है नियकर्ताओं के सामने तो उसके लिए वो कलेक्टिव बारगेनिंग का इस्तेमाल करता है ये एक तरीके का आप कह सकते हैं मैकेनिज़्म है एक टूल है जिसके द्वारा आप मैनेजमेंट से आप एम्प्लॉयर्स से बातचीत करते हैं सामूहिक सौदेबाजी विशेष रूप से एक औद्योगिक संबंध तंत्र और उपकरण हैं और यह बातचीत का एक पहलू है जो रोज़गार संबंधों पर लागू होता है जो जॉब रिलेशनशिप से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उस पर बात करने का डिस्कशन करने का एक मैकेनिज्म है एक टूल है जिसके द्वारा नियुक्तकर्ता और कर्मचारियों की बातें आपस में डिस्कस की जाती हैं इसके साथ ही हम कहते हैं सामूहिक सौदेबाजी नियोक्ताओं और कर्मचारियों की एक इकाई की प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य काम की परिस्थितियों को विनम्रता के करने वाले समझौते तक पहुंचाना सामूहिक समझौतों में आमतौर पर वेतन के चर्चा पर विषय होती है कितने काम के घंटे होंगे कितना समय कर्मचारियों को कार्य करना पड़ेगा संगठनों में उसका प्रशिक्षण किस प्रकार से होगा उनकी स्वास्थ्य और सुरक्षा किस तरह से रखी जाएगी ओवर टाइम या अगर कोई शिकायतें हैं किसी भी कर्मचारी के कोई ग्रीव्यांसिस हैं तंत्र और कार्यस्थल या कंपनी के मामलों में भाग लेने के अधिकार निर्धारित होते हैं तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में एक तरीके से आप ये समझ लीजिए इस प्रकार की बातचीत की जाती है जो नियुक्तकर्ताओं और कर्मचारियों के बीच में उन मुद्दों पे डिस्कस किया जा रहा है कि कर्मचारियों को किस प्रकार से वेतन वृद्धि की जाएगी उनको कितने समय कार्य करना पड़ेगा या उनके कार्य करने के लिए उनको क्या सेवाएं या सुविधाएं प्राप्त होंगी उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है संगठनों में उनको ओवरटाइम कराया जाएगा तो ओवर टाइम कराने के लिए उनको क्या वेतन दिया जाएगा जाएगा उनके को कैसे हैंडल किया जाएगा। इन सारे विषयों पर चर्चा जो होती है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू की जाती है नियुक्तकर्ताओं और कर्मचारियों के बीच में अगर हम बात करें सामूहिक सौदेबाजी की अवधारणा या परिभाषा के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक मेथड है जो ट्रेड यूनियंस इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करने के लिए कंडीशन ऑफ देयर मेंबर्स वर्किंग लाइफ जो कर्मचारी हैं उनके राइट्स को उनके 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 इंटरेस्ट में जो भी बात की जाती है उसके लिए ट्रेड यूनियंस जो हैं वो एक तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि वो संगठन में जो भी कर्मचारियों की बात है उसको इसके थ्रू रख सकें मैनेजमेंट के सामने और बार्गेन कर सकें अपनी बातों पर ताकि उनके लिए सुविधा और सुरक्षा का इंतजाम किया जा सके अगर हम फ्लैडर्स के रूप में देखें तो वो कहते हैं फ्लैडर्स संयुक्त विनम के साधन के रूप में सामूहिक सौदेबाजी जिसमें आप क्या करते हैं जॉइंट रेगुलेशन के द्वारा मिलकर आप डिस्कशन करते हैं और बार्गेन करने की कोशिश करते हैं कलेक्टिव फॉर्म में आपके जो भी पॉइंट्स हैं या जिन बातों पे जिन मुद्दों पे आप अपनी बात रखना चाहते हैं और आईएलओ के द्वारा जो हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो कहता है कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ अ फंडामेंटल राइट ये क्या है कर्मचारियों का एक अधिकार है जो ट्रेड यूनियन इस्तेमाल करता है द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आई एल ओ डिक्लोरेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कि 1998 में निर्धारित किया गया था वो कहते हैं कि ये इम्प्लॉयिज़ के लिए एक मैकेनिज़म दिया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और ये सारे ही कर्मचारियों का एक फंडामेंटल राइट है उनका उनकी आ, उसके राइट अधिकार में आता है कि वो अपनी बात को इस कलेक्टिव बारगेनिंग के थ्रू ट्रेड यूनियन जो है कर्मचारियों की बात को नियुक्तकर्ताओं के सामने रखें और उस पर डिस्कशंस कर सकें आगे हम बात करते हैं क्या क्या विषयों पर चर्चा की जाती है अंडर दिस कलेक्टिव बार्गेनिंग जब सामूहिक सौदेबाजी की जाती है कर्मचारी और नियुक्तकर्ताओं के बीच में तो किन किन विषयों पर चर्चा होती है उसके बारे में हम जानते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं मजदूरी की दर के बारे में कोई भी संगठन या कोई भी कर्मचारी जो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वो यही होता है हमेशा कि उनके वेजेस और सैलरीज किस प्रकार से दिए जाएंगे उनका जो डिटर्मिनेशन है या एडमिनिस्ट्रेशन जो किया जा रहा है संगठनों द्वारा वो सही है या नहीं है जितने भी सरकारी आ, कानून हैं नियम हैं उनको ध्यान में रखा गया है कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखा गया है इम्प्लाईज से जो काम कराया जा रहा है उसके बदले में जो उनको वेतन दिया जा रहा है वो उसके लिए सही है या नहीं है इन मुद्दों पे चर्चा होती है इसके साथ ही रोजगार के घंटे कितने होंगे कितने वर्किंग आवर्स उनसे कार्य कराया जाएगा ऐसा तो नहीं है उनसे लगातार कार्य कराया जाए क्योंकि ये भी मैंशन है लेबर लॉज में कि आप एक एम्प्लॉय से कितने घंटे तक काम करा सकते हैं हफ्ते में कितने दिन उनसे कार्य कराना है तो उनके जो कार्य की अवधि होगी रोज़गार के घंटे जो होंगे उस पर बहुत हद तक यहाँ पर चर्चा की जाती है उनके काम करने की स्थिति कैसी होगी किस वर्किंग कंडीशंस पे उनसे काम कराया जाएगा उनको जो कार्य करने की स्थिति दी जाएगी वो बेहतर होगी या नहीं या सेफ होगी सिक्योर होगी ताकि उनके हेल्थ के लिए उनके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए रोजगार नीतियों पर यहाँ पर चर्चा होती है जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज बनाई गई हैं संगठनों द्वारा उन पॉलिसीज़ पर चर्चा होती है कि वो पॉलिसीज किस हद तक कर्मचारियों का ध्यान रख रही हैं और उनको प्रोटेक्ट करती हैं कहीं उनके साथ कोई अनफेयर या इनजस्टिस uh, जैसा कोई कार्य तो नहीं होगा इन पॉलिसीज़ में इसके साथ ही उत्पादकर्ता निपटारा प्रोडक्टिविटी सेटलमेंट किस प्रकार से किया जाए ताकि इम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर दोनों ही जो हैं उसकी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्टिविटी इन इन्हेंसमेंट की क्योंकि एम्प्लॉयर चाहता है कि एक एम्प्लॉय कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो तो कितनी प्रोडक्टिविटी वो चाहते हैं या वो कितनी या एफ़ेक्टिवनेस अपने कर्मचारियों से चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होती है तो एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ट्रेड यूनियन जो एक रोल प्ले करता है वो सारी ही बातों को कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू नियुक्तकर्ताओं के सामने रखता है ताकि कर्मचारियों की जो भी समस्याएँ हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनको हम इसके थ्रू डिस्कस कर सकें मैनेजमेंट से आगे बात करते हैं कि वर्कर्स जो हैं वो यूनियंस को क्यों ज्वाइन करते हैं क्या कारण हैं जो वो ट्रेड यूनियंस के साथ जुड़ जाते हैं काम करने की स्थिति मुआवजा और पर्यावेशन सहित काम के माहौल से असंतुष्ट अगर कोई भी वर्कर अपने कार्य से अपने कर्मचारी कर्मचारी अगर संगठनों में दिए गए वर्किंग एनवायरनमेंट से उनके वेतन से या उनके वर्किंग कंडीशन से एनवायरनमेंट से अगर संतुष्ट नहीं है डिसटिस्फाइड रहता है उसे लगता है कि यहाँ पर उसके साथ जो भी कार्य करने के लिए उसको दिया जा रहा है वो सेफ नहीं है सिक्योर नहीं है या उसको उस प्रकार से वेतन नहीं मिल रहा है तो वो अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए इन यूनियंस को ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली मैनेजमेंट से एक इंडिविजुअल जो बात करे वो इतना पावरफुल नहीं है तो वो अपनी पावर को इनक्रीज़ करने के लिए ये संगठन बनाए गए हैं ये यूनियंस बनाए गए हैं जो ये रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कर्मचारियों की बात को आगे रख सकते हैं आई डिज़ायर टू हैव मोर इन्फ्लुएंस इन एफेक्टिव चेंज इन दी वर्किंग एन्वायरमेंट वो इसलिए इसको ज्वाइन करते हैं या इन संगठनों से जुड़ते हैं ऐसी यूनियन से क्योंकि वो चाहते हैं उनकी इच्छा है कि कोई उनके प्रतिनिधि की तरह कार्य करे कोई उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरह कार्य करे और उनके आ, संगठनों में ये बदलाव लाए जिससे कि वो संतुष्ट नहीं हैं यूनियन के संभावित लोगों के संदर्भ में कर्मचारियों का विश्वास है एम्प्लॉय जानते हैं और ये मानते हैं विश्वास रखते हैं कि जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं यूनियन ज्वाइन करने के उनको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे वो इस बात को बहुत हद तक बखूबी समझते हैं कि अगर हम संगठन ज्वाइन करेंगे तो संगठनों के ज्वाइन करने से उनको क्या क्या लाभ हो सकते हैं उस पर वो विश्वास करते हैं और इसी विश्वास के तहत वो यूनियंस को ज्वाइन करते हैं तो एम्प्लॉइज़ का यूनियन ज्वाइन करने का सिंपल सा ही एक रीज़न और कारण आप समझ सकते हैं उन्हें लगता है कि वो अकेले अपनी बात को नियुक्तकर्ताओं के सामने नहीं रख सकते उनका कोई प्रतिनिधि होगा जिस पर वो विश्वास करते हैं और उनकी बात को वो मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा और उनके वर्किंग कंडीशंस में उनके एनवायरनमेंट में उनके सैलरी में उनके सेफ्टी सिक्योरिटी में बदलाव आएगा इस विश्वास के साथ वो इनको ज्वाइन करते हैं आगे बात करते हैं एडवांटेजेस की कलेक्टिव बार्गेनिंग सामूहिक सौदेबाजी के क्या फायदे होते हैं इसके द्वारा कर्मचारियों को किस तरह से मदद मिलती है या क्या बेनिफिट्स उनको मिलते हैं उनके ऊपर चलिए हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं सबसे पहले हम कहते हैं सामूहिक सौदेबाजी में संघर्ष और टकराव के बजाय बातचीत और आम सहमति के माध्यम से समाधान का लाभ होता है तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसमें आप लड़ाई झगड़ा ना करके कोई भी आपस में तेज शर्रार ना होकर बैठ कर बातचीत करते हैं कलेक्टिवली अपनी बात को डिस्कस करते हैं कि आप क्या चाहते हैं आपकी इच्छा क्या है आप अपने कर्मचारियों को किस तरीके से प्रोत्साहन करना चाहते हैं संगठन में इसमें दोनों ही पक्ष चाहे वो नियुक्तकर्ता हो चाहे वो कर्मचारी हो उन दोनों की ही बात को यहाँ पर बैठ के डिस्कस किया जाता है सामूहिक सौदेबाजी से उत्पन्न समझौता आमतौर पर पार्टियों को पसंद और समझौतों का प्रतिनिधित्व करता है इसके द्वारा दिए गए जो भी परिणाम होते हैं इसमें जो भी डिस्कशंस हो रहा है दोनों पार्टीज़ के बीच में जनरली दोनों पार्टीज़ उस रिजल्ट से उस आउटकम से सेटिस्फाइड होती है और वो उस पर कार्य करने के लिए तैयार रहती है आगे बात करते हैं सामूहिक सौदेबाजी समझौते अक्सर बातचीत के माध्यम से समाधान को संगत बनाते हैं उदाहरण के लिए एक सामूहिक समझौता उन तरीकों का प्रावधान कर सकता है जिनके द्वारा पार्टियों के बीच विवादों का निपटारा किया जाएगा इसका मतलब यह है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट्स क्या करते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं सेटलमेंट्स को थ्रू डायलॉग बातचीत से एक दूसरे से बात करके फॉर इंस्टेंस कलेक्टिव एग्रीमेंट में प्रोवाइड फॉर मैथड बाई विच डिस्प्यूज बिटवीन पार्टीज विल बी सेटल अगर दोनों ही पक्ष में अगर कोई विवाद है अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको बातचीत करके हम सुलझा सकते हैं और उसका समाधान निकाल सकते हैं तो ये एक अच्छा मेथड है एक अच्छा टूल है अगर किसी भी विवाद को अगर किसी भी डिस्प्यूट को हमें ओवरकम करना है और उसका कोई सोल्यूशन निकालना है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग को हम एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन बिकॉज इट इन्वॉल्व अ शेयरिंग ऑफ रूल मेकिंग पावर बिटवीन रूल मेकिंग पावर बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड यूनियन इन the एरिया विच इन earlier टाइम्स वर regarded as मैनेजमेंट प्रपोगेटिव दैट इज़ ट्रांसफ़र प्रमोशन और रिटेंडेंसी अगर आपको इन मुद्दों पर बात करनी है जो भी कर्मचारी हैं उनके ट्रांसफर जैसे मुद्दे प्रमोशन या उनको किसी भी प्रकार से दबाव दिया जा रहा है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू आप इन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और इन चर्चाओं पर बात करके एक बेहतर रिलेशनशिप आप डेवलप करा सकते हैं नियुक्तकर्ताओं और कर्मचारियों के बीच में कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट रिनाउंस और लिमिट दी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू दी ट्रेड यूनियन एक्शन कई बार सामूहिक सौदेबाजी समझौते कभी कभी ट्रेड यूनियन कार्रवाई के माध्यम से विवादों के निपटारे को त्याग देते हैं और सीमित कर देते हैं इसमें ट्रेड यूनियंस के द्वारा क्या है जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ये ओवरकम कर देते हैं उनको ये कम कर देते हैं रिड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से इनका जो इम्पैक्ट है या इसके द्वारा दिया गया जो भी रिजल्ट है वो बेहतर साबित होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग इज एन असेंशियल फीचर इन कंसेप्ट ऑफ सोशल पार्टनरशिप टूवर्ड्स दी लेबर यूनियन शुड स्ट्राइव अगर हमें अपने एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक बेहतर रिलेशनशिप नियुक्त करना है और अगर हम चाहते हैं कि उनके बीच में आपसी जो संबंध है वो बेहतर बने रहें तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक अच्छा कंसेप्ट है जो दोनों के बीच में एक सोशल पार्टनरशिप करने में मदद करता है इसके बाद हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग हैज़ अ वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट रेलिवेंट द रिलेशनशिप बिटवीन दी टू पार्टीज जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इसका जो रिजल्ट आता है ज़्यादातर उन दोनों पार्टीज में हमेशा सेटलमेंट की बात होती है जिसमें कोशिश ये की जाती है कि दोनों ही पार्टीज़ विन विन सिचुएशंस में रहें और इस बात पे आके वो तय करते हैं कि आपके लिए भी नुकसान ना हो और दूसरे के लिए भी नुकसान ना हो जिसमें नियुक्तकर्ताओं की भी हामी हो और कर्मचारी भी राज़ी हो जाए इस तरीके से कोई आउटकम निकालने की कोशिश की जाती है जिसकी वजह से इन लोगों के जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी बेहतर रहते हैं ऐसे समाजों जहां यूनियनों की बहु बहुलता होती है और यूनियन की वफ़ादारी बदली बदलती रहती है सामूहिक सौदेबाजी और प्रारंभिक समझौते संज, यूनियन की सदस्यता को स्थिर रखते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें लगता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस हैं बहुत सारे यूनियंस हैं डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच वो रखते हैं और अलग अलग तरीके से अपनी बात को कहना चाहते हैं तो उस केस में कलेक्टिव बारगेनिंग एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा आप अपनी बात को बेहतर तरीके से रख पाएंगे और बेहतर परिणामों को आप में ले पाएंगे इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कप्रेंसी नहीं आती है एक स्थिरता बनी रहती है जब हमारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस कार्य कर रही होती हैं किसी भी संगठन में और कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल रिलेशन ये एक बहुत अच्छा मैथड है टूल है अगर हम चाहते हैं कि हमारे औद्योगिक रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेहतर बने रहें इम्प्लॉयी इम्प्लॉय के बीच में जो संबंध है वो मधुर बने रहें उसके लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत ही बढ़िया तरीका है जिसके द्वारा अपनी बात को डिस्कस डिस्कशंस के थ्रू बातचीत के थ्रू आप अपनी बात को सामने रखते हैं और उसके ऊपर रिजल्ट अचीव करते हैं अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग को किन उद्देश्यों के साथ तैयार किया जाता है या इस मेथड को यूज किया जाता है तो इसके बहुत सारे उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव हैं सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है सेटल द कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू तो वर्किंग कंडीशंस एंड वेजेस इसका जो मेन मुद्दा है जिसकी वजह से ये तैयार किया जाता है इसको हम यूज़ करते हैं वो यही है कि कर्मचारियों के लिए अच्छी वर्किंग कंडीशन एक सेफ एनवायरनमेंट और उनको सही वेतन वृद्धि हो इसके लिए ये बात करता है इसका इसका मेन मुद्दा यही है कि अगर किसी भी संगठन में कर्मचारी और नियोक्ताओं के बीच में आपसी कोई तनाव है इन चीज़ों को लेकर तो कैसे इन पर बात करके इनको बेहतर बनाया जाए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दी वर्कर्स टू कलेक्टिव एक्शन इसका उद्देश्य ये भी है कि एम्प्लॉयज़ की जो प्रोटेक्शन है उसको ये दखते हैं कि उनके हित में जो भी बात की जा रही है वो इंडिविजुअल लेवल पर नहीं हो पाएगी कोई एक एम्प्लॉय आगे बढ़ के उस बात को नहीं कर पाएगा तो कलेक्टिव फॉर्म में वो एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं और मिल के बात करने की कोशिश करते हैं इसीलिए हम इसको नाम कलेक्टिव बार्गेनिंग का देते हैं कलेक्टिव एक्शन होता है ये किसी एक कर्मचारी के लिए बात नहीं हो रही है एक कर्मचारी के द्वारा नहीं हो रही है मिलके ये बातचीत होती है जहाँ सभी लोग अपनी बात को एक साथ रख के एक नियुक्तकर्ताओं के सामने पेश करते हैं टू रिजॉल्व द डिफरेंस बिटवीन दी वर्कर एंड मैनेजमेंट थ्रू दी वॉलेंट्री नेगोशिएशन एंड टू अराव एट दी कॉन्शियस ये एक वॉलेंट्री नेगोशिएशन है इसको ज़बरदस्ती वो नहीं कर रहे हैं दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि बैठ के इन मुद्दों पर इन विषयों पर चर्चा हो जाए जिसके वजह से एक हम सेटलमेंट कर सकें एक आउटकम निकाल सकें क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो वो दोनों ही तरफ को परेशानी देगी नियुक्तकर्ताओं को भी परेशानी होगी अगर कर्मचारी अपने कार्य को ठीक प्रकार से नहीं करेंगे क्योंकि वो चाहेंगे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और वो कार्य को बेहतर तरीके से करें तभी संगठन अपने उद्देश्यों को अपने गोल्स को अपने एम्स को अचीव कर पाएंगी और कर्मचारी भी अपने कार्य को नहीं करेंगे क्योंकि जब उन्हें जो चीज़ें चाहिए जिस तरीके के इन्वायरमेंट में वेतन में और प्रोटेक्शन की वो बात कर रहे हैं अगर उन्हें नहीं मिलेगी तो वो अपने जॉब से सेटिसफाइड नहीं होंगे जिसकी वजह से उनका मुराल उनका मोटिवेशन डाउन रहेगा और उनकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी तो दोनों ही ये पक्ष जो हैं वो चाहते हैं कि इन पर बैठ के बात कर दिया जाए कुछ नेगोसिएशन कर लिया जाए जिसमें थोड़ी मांगे हम भी पूरी कर सकें और थोड़ी मांग बातें वो भी मान जाए तो एक कॉन्स डिस्कशन है ये जिसको सोची समझी तरीके से किया जाता है और इसके सॉल्यूशंस को इसके आउटकम को समझा जाता है टू अवॉइड थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इन द मैटर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट कलेक्टिव बारगेनिंग इसीलिए की जाती है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं नियुक्त भी नहीं चाहते हैं और कर्मचारी भी नहीं चाहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी तीसरा इंसान आके इन बातों पे डिस्कस करे और उनके सोल्यूशन ढूंढे वो चाहते हैं कि खुद से ही बैठ के एक दूसरे से बात करके बातचीत करके अपनी समस्याओं का वो यहाँ पर समाधान निकाल सकें प्रैक्टिकली स्पीकिंग एनी इशू दैट हैज एनी रेलिवेंस टू द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स बिकम द सब्जेक्ट मैथड ऑफ बारगेनिंग तो इसमें हम लाखरी में यही उद्देश्य है कोई भी मुद्दा किसी भी प्रकार का अगर वो नियुक्त करता करताओं और कर्मचारी से जुड़ा हुआ है उनसे रिलेट करता है तो वो डेफिनेटली अपने आप ही कलेक्टिव बार्गेनिंग का सामूहिक सौदेबाजी का वो चर्चा का विषय बन जाता है वो इश्यू बन जाता है जिसको कि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू डील करते हैं तो ये कुछ उद्देश्य हैं ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके पीछे और कलेक्टिव बार्गेनिंग के पीछे क्यों हम इसको यूज़ करते हैं तो आप इसको पूरी तरीके से ये समझ सकते हैं जैसे कि ट्रेड यूनियन का कार्य था कर्मचारियों के प्रति बात करना उनके 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 सेफ उनके प्रोटेक्ट को सेफ करना उसके उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना तो वो सारी ही चीज़ें कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ट्रेड यूनियंस करते हैं ट्रेड यूनियन एक यूनियन है और कलेक्टिव बार्गेनिंग एक मेथड है एक ज़रिया है जिसके द्वारा वो अपनी बातों को डिस्कस करते हैं नियुक्तकर्ताओं से इसके आगे हम बात करते हैं फीचर्स की अगर हम सामूहिक सौदेबाजी की विशेषताओं के बारे में बात करें तो हम जान पाएंगे कि ये किस प्रकार से कार्य करता है इसकी क्या विशेषताएं हैं उससे पहले हम जान लेते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ अ म्यूचुअल ऑब्लिगेशन ऑन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयड टू बार्गेन इन अ गुड फेथ टूवर्ड्स दी सेटलमेंट कलेक्टिव बारगेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है एक ऐसी प्रक्रिया है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी दोनों ही आपस में एक दूसरे पे विश्वास करके इस बातचीत को शुरू करते हैं और वो चाहते हैं कि कोई एक निर्णय निकल आए कोई एक सेटलमेंट निकल आए जहाँ पर दोनों लोग राज़ी हो जाएं जब दोनों पार्टी चाहती हैं बात करना तभी वो बातचीत हो पाती है अगर मान लीजिए नियुक्तकर्ता कहें कि हमें कोई बात ही नहीं करनी इस विषय में चर्चा ही नहीं करनी तो एक कलेक्टिव बार्गेनिंग होना पॉसिबल नहीं होगा या अगर हम ये कहें कि कर्मचारी कहें कि हम इन मुद्दों पे बात ही नहीं करेंगे हम तो सीधा सीधा स्ट्राइक करेंगे या हम सीधा सीधा बॉयकॉट करने लगेंगे चीजों का तो भी बातचीत नहीं हो पाएगी ये बातचीत तभी हो पाएगी जब वो दोनों पार्टीज एक दूसरे पर म्यूचुअल ट्रस्ट करती हों वो समझती हों वो जानती हों कि हम बातचीत के द्वारा इन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और इनके सॉल्यूशंस पर हम काम कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं फीचर्स की जिसमें सबसे पहला हमारा जो फीचर है ये हमेशा कलेक्टिव फॉर्म में काम करता है इसकी जो विशेषता है वो यही है कि इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स पे ये डील नहीं करता इसीलिए इसका नाम कलेक्टिव बार्गेनिंग रखा गया है सामूहिक तौर पर इसका कार कार्य होता है ऑल वर्कर्स कलेक्टिवली बार्गेन फॉर देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट बिकॉज दे डू नॉट हैव इंडिविजुअल कैपेसिटी वो अकेले मुद्दों के लिए बात नहीं कर सकते वो इंडिविजुअल कैपेसिटी उनके लिए नहीं है इसीलिए इसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं ये सबके हित के लिए कार्य करता है सबके द्वारा किसी एक के लिए ये नहीं है या किसी एक के द्वारा ये नहीं होता वर्कर्स एंड मैनेजमेंट ज्वाइंटली अराइव एट एन एमिकेबल सोल्यूशन थ्रू नेगोसिएशन जो वर्कर्स हैं जो कर्मचारी हैं और जो नियुक्तकर्ता हैं वो आपस में एमिकेबली मीन्स अपने आपसी समझौते से वो एक सोल्यूशन को निकालते हैं नेगोसिएशन में एंड द यूनियन इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग आउट द कॉमन कॉन्सेंसेज ऑन कलेक्टिव इशूज़ रादर देन इंडिविजुअल इशूज़ तो यहाँ पर जो सेटलमेंट होते हैं या जो निर्णय लिए जाते हैं वो भी आपके कलेक्टिव इशूज़ पे लिए जाते हैं कोई इंडिविजुअल पर्सन को कोई चीज़ कोई बेनिफिट दे या उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन नहीं होता सबके लिए जो हित में हो या सबके लिए जो सही हो उस प्रकार से यहाँ पर सोल्यूशन्स को ढूंढा जाता है और उनको निकाला जाता है इसके आगे हम बात करें तो इसका दूसरी विशेषता है बार्गेनिंग पावर कलेक्टिव बार्गेनिंग जो हमने दो वर्ड से मिलकर इसको स्टडी कर रहे हैं उसी में हमने इनकी पहली विशेषता बताई कलेक्टिव है ये सामूहिक तरीके से कार्य करते हैं और इसमें सौदेबाजी की पावर होती है तो इसमें सौदेबाजी की पावर में हम कह रहे हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग दी बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ पार्टीज अक्रॉस द टेबल इज इक्वल अगर उनकी जो पावर है वो इक्वल होगी तभी बातचीत हो पाएगी अगर किसी की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग है मान लीजिए अगर नियोक्ता हायर स्ट्रांग पोजीशन पे बैठ के बात करेंगे तो डेफिनेटली जो ट्रेड यूनियंस हैं उन पे वो हमेशा हावी रहेंगे और अपनी बात को वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मनवाने की कोशिश करेंगे तो जो बार्गेनिंग पावर है जो सौदेबाजी की जो शक्ति है वो दोनों के पास बराबर होनी चाहिए आइडियली इट इज अ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एट वर्क दोनों जैसे हम बात करते हैं अपने कंट्री की भी कि डेमोक्रेसी हमें अपनी बात को कहने का पूरा अधिकार है इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी होती है और दोनों ही पक्ष अपनी बात को अपनी तरह से कह सकते हैं इट विल ओनली बी डेमोक्रेटिक ओनली इफ बोध ही पार्टीज आर इक्ट विद दी नॉलेज एंड स्किल्स और दोनों को ही जब बात कर रहे हैं तो उस मुद्दे पे उन विषय पे पूरी तरीके से वो जानकारी होनी चाहिए उनके अंदर उतनी क्षमताएं होनी चाहिए उतनी स्किल्स होनी चाहिए कि अपनी बात को वो कह सकें और रख सकें दी स्ट्रेंथ ऑफ द यूनियन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दी वर्किंग फोर्स जिनकी वर्किंग फोर्स है उसकी डिमांड एंड सप्लाई कितनी है उस पर भी उनकी पावर और उनकी स्ट्रेंथ पर निर्भरता रहती है मान लीजिए अगर मैं किसी भी कर्मचारी के लिए बात कर रही हूँ और वो कर्मचारी की सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में तो शायद मैं अपनी बात को उतनी फोर्सफुली नहीं रख पाऊँगी लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो डेफिनेटली मेरा जो पार्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा और मैं अपनी बात को ज़्यादा फोर्सफुली रख पाऊँगी क्योंकि मुझे मालूम है कि इस तरीके के एम्प्लॉज़ या लेबर या कर्मचारी मार्केट में अवेलेबल नहीं है इनकी डिमांड ज़्यादा होने के कारण इनकी इच्छाओं की पूर्ति करने की मेरी शक्ति ज़्यादा हो जाएगी सिमिलरली हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टेड अपॉन वन वर्कर्स ऑल्सो डिटरमाइंस द रेशियो ऑफ बार्गेनिंग पावर तो ये बार्गेनिंग पावर करते समय हमारी जो शक्ति है किस पक्ष के पास कितना आ, कितना स्ट्रेंथ है कितनी पावर है और जनरली ये इक्वल होनी चाहिए तभी दोनों लोग अपनी बात को सहमति के साथ बेहतर तरीके से बनवा पाएंगे इसके आगे हम कहते हैं कि ये भी एक विशेषता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो आ, फीचर है वो फ्लैक्सीबल होना चाहिए सामूहिक सौदेबाजी में दोनों पक्ष को आम सहमति पर सौदापूर्ण ढंग से पहुंचने के लिए लचीला मानसिकता ढांचा बनाना चाहिए हमें रिजिड नहीं होना चाहिए हम मतलब ऐसी अप्रोच के साथ अगर गए हैं कि हमारी ये सारी मांगे सारी ही पूरी होनी चाहिए अगर इन सब पे कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ तो हम कुछ आगे नहीं करेंगे इस तरीके से अगर आप सोच के साथ डिस्कशंस करते हैं और बातचीत करते हैं तो बहुत हद तक संभव है कि आपकी परेशानियों का हल ना निकल पाए क्योंकि फ्लैक्सिबिलिटी एस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है जब हम डिस्कशंस कर रहे हैं अपने माइंडसेट को हम रिजिड बना लेंगे तो शायद हम उन समस्याओं का बेहतर समाधान ना ढूंढ पाएं जितने हम फ्लैक्सीबल होते हैं जितना हम लचीलापन अपने बातों में रखते हैं अपनी सोच में रखते हैं उतने ही बेहतर निष्कर्ष पे हम निकल कर आ पाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप को फ्लैक्सिबल माइंडसेट के साथ लेके जाना है जब भी हम डिस्कशन करें रिजिडिटी को नहीं रखना है इसके अलावा हम बात करते हैं वॉलेंट्री आस्पेक्ट की ये जो डिस्कशंस हैं ये जो बातचीत हो रही हैं ये स्वेच्छा से हो रही हैं वॉल्ट्री हैं दोनों पक्ष एक स्वैच्छिक समझौते पर पहुंचने के लिए स्वेच्छा से एक दूसरे के सामने आते हैं जो दोनों पक्षों को पारस्परिक रूप से स्वीकार होता है इसमें किसी को फोर्स नहीं किया जाता ना ही कोई ज़बरदस्ती इस पर बात की जाती है कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो मेथड है वो तभी पॉसिबल होगा जब दोनों ही पक्ष अपनी इच्छा से अपनी स्वेच्छा से आपस में बात करने के लिए तैयार हों वेन दी बोथ पार्टीज कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर वॉलेंट्री इन ऑर्डर टू अराइव द वॉल्ट्री एग्रीमेंट विच इज़ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टू बोथ दी पार्टीज आगे बात करते हैं कॉन्टेनेंस की जो इसकी नेक्स्ट फीचर है या विशेषता की हम बात करें सामूहिक सौदेबाज न केवल बातचीत से शुरू होती है और तर्क वितर्क पर समाप्त होती है बल्कि ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समझौते के कर्णवीय और आगे की बातचीत भी शामिल होती है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो मेथड है जो ये प्रोसेस है ये कंटिन्यूस है ऐसा नहीं है कि एक बार हमने बात करी और उस बात का सोल्यूशन निकला और वो बात खत्म हो गई ऐसा नहीं है जब हम सोल्यूशंस निकालते हैं तो उन सोल्यूशंस पे जब हम वर्कआउट करते हैं और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है या उनको हम और बेहतर बना सकते हैं तो वो बात चीज़ हमारी कंटिन्यू रह सकती है तो नॉट ओनली इट कमेंस विद दैगोसिएशन एंड एंड्स विद द आर्ग्यूमेंट इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इंक्लूड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट एंड ऑल्सो फर्दर नेगोशिएशन आगे किस प्रकार से हम और ज्यादा बातचीत करके अपनी परेशानियों को अपने मुद्दों को हल कर सकते हैं ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है कंटिन्यूस प्रोसेस है ऐसा नहीं कि शुरू और ख़त्म हो गया उसके बाद इसका कोई भी तात्पर्य नहीं रहेगा तो ये कंटिन्यूटी इसकी बनी रहती है संगठन में ये एक बहुत डायनेमिक है डायनेमिक का मतलब है इसमें बहुत जल्दी जल्दी बदलाव भी आते हैं अ प्रोसेस ऑफ एग्रीमेंट विच इट सेल्फ कंटेन्स वेरियस कंसेप्ट एंड विच में चेंज एंड दे मे ऑल्टर टाइम टू टाइम तो इसके जो बहुत सारी धारणा हैं या जो बहुत सारे इसके कन्सेप्ट हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं उनमें बदलाव आता रहता है तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल स्टेबल है रिजिड है और जैसा है वैसा ही रहेगा कभी कभी इसकी सोच में इनके तरीक़ों में इनके बातचीत के स्टाइल में भी बदलाव आता है दी एम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस ये चलता रहता है ऐसा नहीं कि शुरू हुआ और रुक गया इट इज़ समथिंग विच इज़ कीप ऑन गोइंग क्योंकि कार्य जो है वो करते रहेंगे कर्मचारी और जब कार्य कर रहे हैं नियुक्तकर्ताओं में कुछ ना कुछ समस्याएं कुछ ना कुछ समाधान होते ही रहेंगे उन पर डिस्कशंस चलते रहते हैं एंड दी मेंटल मेकअप ऑफ दी पार्टीज कीप्स ऑन चेंजिंग जो लोगों का माइंडसेट है जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं वो भी बदलाव आता है उसमें ऐसा नहीं है कि आज हम जो चाहते हैं या जो आज की हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमेशा एक जैसी ही रहेंगी हमारा माइंड सेट हमारा जो सोच है उसमें भी बदलाव आता है इसीलिए इसके बातचीत में डिस्कशंस में भी डिफरेंस चेंजेस uh, आते रहते हैं वेरियस स्ट्रेटेजीज यूज बाय बोथ दी पार्टीज कीप्स ऑन चेंजिंग बेस्ड ऑन दी डिमांड ऑफ द सिचुएशन डेफिनेटली आप बात किस तरीके से कर रहे हैं या बात करने का आपका मुद्दा उसमें भी बदलाव आता रहता है डिपेंडिंग अपॉन दी डिमांड एंड दी सिचुएशन आप किस सिचुएशन में किस प्रकार से बात कर रहे हैं जैसा कि हमने पहले कहा था डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर अगर आपके पास लगता है कि आपकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपकी पावर ज्यादा है तो आपके बात करने का तरीका जो है उसमें भी बदलाव आ जाता है वी ऑल आर दी पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनमी एंड दी प्रोडक्ट कस्टमर टेस्ट मार्केट प्लेस कीप्स ऑन चेंजिंग तो हमें ये मानना होगा कि हम कोई भी चीज़ को स्थिर नहीं रख सकते और बदलाव ही प्रकृति का नियम है तो जब सब चीजों में बदलाव आता है कंज्यूमर के टेस्ट में मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट्स में चेंजेस आते हैं तो डेफ़िनेटली जो कार्य कर रहे कर्मचारी हैं और जो जोकर्ता हैं उनमें भी डिफरेंसेस आते हैं उनमें भी बदलाव आते हैं उनकी सोच में भी बदलाव आते हैं तो वही चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं आपके बार्गेनिंग में आपके बातचीत में भी बदलाव आते हैं इसीलिए हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें समय समय पर बदलाव आते रहते हैं जिस तरह से बात हो रही है जिस तरह से उनका समझौता किया जा रहा है या कोई निष्कर्ष निकाला जा रहा है उस समस्या का उनमें बदलाव आते रहते हैं इसके आगे हम बात करते हैं पावर रिलेशनशिप है वो दी पार्टीज वांट टू एक्सट्रैक्ट दी मैक्सिमम फ्रॉम ईच अदर हमेशा वार्गेनिंग पावर करते समय या कलेक्टिव डिस्कशंस जब होते हैं सामूहिक सौदेबाजी होती है तो दोनों ही पक्ष जाते हैं चाहते हैं कि उनकी मांगे ज़्यादा से ज़्यादा पूरी हों ये एक बहुत नेचुरल सा फैक्ट है ये बहुत स्वाभाविक भी है ह्यूमन टेंडेंसी को अगर हम स्टडी करें कि जो भी पार्टी डिस्कशन कर रही है डिस्कशन में वो हमेशा यही चाहेगी कि उसका इंटरेस्ट उसका बेनिफिट ज्यादा से ज़्यादा सर्व हो सो बो बट टू रीच अ कॉन्शियसनेस बोथ दी पार्टीज मट री फ्रॉम द अपोजिशन इन ऑर्डर टू रीच अ कॉमन कॉन्शियसनेस लेकिन जब हम कभी डिस्कशन करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि हम सेटलमेंट तभी कर पाएंगे हम किसी प्रॉब्लम uh, का सोल्यूशन तभी ढूंढ पाएंगे जब हम अपने आप से बाहर आ पाएंगे और दूसरे को भी उस पक्ष में रख पाएंगे केवल हम अपने आप को नज़रिए में रखें और अपना ही हित देखते रहें तो बहुत मुश्किल होगा किसी भी प्रॉब्लम का किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना तो अगर आप सेटलमेंट चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे की बेहतरता के बारे में भी सोचें और ये भी सोचें कि किस प्रकार से एक दूसरे की यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है इन सच एन अटैम्प वो दी पार्टीज़ ट्राई टू रीच ऑन अ कॉमन ग्राउंड विदाउट एनी सीरियस डायल्यूशन ऑफ देयर पावर तो वो अपने पावर को अपनी अपने अपने स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा हद तक इस्तेमाल ना करने की बजाय अगर वो एक कॉमन इंटरेस्ट को कॉमन गोल को डिफ़ाइन कर लें तो बेहतर सोल्यूशन जो है वो इसमें निकल पाता है जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर में बात करें इफ अ जॉब ऑफ अ वर्कर इज़ नॉट स्किल्ड एंड ही इज़ बींग इजिली रिप्लेबल ही वुड हैव लेसर बार्गेनिंग पावर बिकॉज देर इज ह्यूज मास ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ वेटिंग टू बी रिप्लेस तो अगर इस तरीके से किसी अनस्किल्ड लेबर की बात हो रही है या ऐसे वर्कर्स के कर्मचारियों के बारे में डिस्कशन हो रहा है जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं है और उस प्रकार के लोग जो हैं वो मार्केट में बहुत हद तक अवेलेबल हैं उनकी जो सप्लाई है वो ज़्यादा है और उनको बहुत आसानी से हटा के दूसरे लोगों को रखा जा सकता है तो इस केस में जो बार्गेनिंग पावर होगी वो डेफ़िनेटली नियुक्त करताओं की ज़्यादा होगी तो अगर वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं या इस बात पर वो ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं कि हमें तो कोई मतलब ही नहीं है तुम जो कह रहे हो कहते रहो हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है हम तो मार्केट से और लेबर को ले आएंगे या और कर्मचारियों को भर्ती कर लेंगे तो इस तरीके से अगर वो कार्य करेंगे तो वो कभी भी किसी कॉमन इंटरेस्ट पे बात कर ही नहीं करेंगे और कोई सोल्यूशन या सेटलमेंट नहीं निकल पाएगा इसके बाद ही हम बात करते हैं इनकी जो एक और विशेषता है वो रिप्रेजेंटेशन है ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कार्य करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस मस्ट बी रिप्रेजेंटेटेड बाई दोज द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी आपके लिए बात कौन कर रहा है जैसे हम बात कर रहे हैं यूनियंस की ट्रेड यूनियन जो लोग ज्वाइन करते हैं लेकिन यूनियन के लीडर कौन है कौन उसमें इतना सक्षम है कि वो उस बात को नियुक्तकर्ताओं के सामने रख सके और उसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वो सामने वाले से नेगोशिएट कर सके एक डिस्कशन कर सके बार्गेनिंग कर सके जहाँ पर दोनों के हित में बेहतर सोल्यूशंस ढूंढे जा सकें ऐसा नहीं हो कि बात करने वो इंसान पहुंच गया जो रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात को पूरी तरीके से ढंग से रख ही नहीं पा रहा या उसका कोई सोल्यूशन ही निकाल पा रहा बेटर बार्गेनिंग नहीं कर पा रहा नेगोशिएशन नहीं कर पा रहा तो पर्पस उसका जो है वो सर्व नहीं होगा तो हमारी तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव हो वो ऐसा हो कि वो कैपेसिटी रखता हो सही डिसीजन मेकिंग की इसके बाद ही बाई प्रोसेस है ये बाई प्रोसेस हम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस है ये कर्मचारी और नियुक्तों सीधे टेबल पर बैठकर इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं और दबाव समूह कानूनी सलाहकार जैसा कोई तीसरा पक्ष हफ नहीं करता है ये जो डिस्कशन है ये केवल दो पार्टीज़ के बीच में है जिसमें कर्मचारी के और पर जो लोग बात करते हैं जो यूनियंस बात करती हैं वो और नियुक्तकर्ता इसके अलावा कोई भी इन मुद्दों में बीच में नहीं पड़ता है ना ही कोई लीगल कंसेंसेंट ना ही कोई गवर्नमेंट का इन्वॉलमेंट होता है इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का कोई इंटरवेंशन या कोई प्रेशर नहीं है जो भी बातचीत हो रही है वो इन दोनों ही पक्ष के बीच में हो रही है उनके प्रॉब्लम्स के पर डिस्कशन हो रहा है और उसके सोल्यूशन निकालने के लिए बात हो रही है और इसीलिए हम कहते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट का एक प्रक्रिया है जिसमें दोनों ही पार्टी एक दूसरे पे विश्वास रखती हैं और इस विश्वास के साथ बात करती हैं कि हमारे समस्याओं का मिलकर हम समाधान कर पाएंगे हम सक्षम हैं और उसके लिए बेहतर सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे इसीलिए हम इसको बाई पार्ट प्रोसेस बोलते हैं इसके अलावा हम जो विशेषता की बात करते हैं गुड फेथ बार्गेनिंग प्रोसेस है ये जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि म्यूचुअल ट्रस्ट पे ये लोग अपना एक दूसरे के साथ ये बार्गेनिंग करते हैं मीटिंग फॉर द दर्पज ऑफ नेगोसिएशन द कॉन्ट्रैक्ट इज यूज शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड विद द यूनियन ऑफ़ रेस्पांसिबल टाइम एंड प्लेस इसमें क्या होता है जो भी नेगोशिएशन होता है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको शेड्यूल कर लिया जाता है एक रीजनेबल टाइम और प्लेस पर ये डिस्कशंस होते हैं रियलिस्टिक प्रपोजल्स को सबमिट किया जाता है दोनों की जो मांगे हैं या जो एक दूसरे से वो उपेक्षाएं रखते हैं या वो चाहते हैं कि किस प्रकार से उनकी बातों को सुना और समझा जाए या किस मुद्दों पर बात करनी है वो रियलिस्टिक प्रपोजल दोनों ही पार्टी सबमिट करती हैं रीजनेबल काउंटर प्रपोजल शुड बी ऑफर्ड और जब बातचीत हो रही है तब आप उनसे जो मांगे करें वो भी आपकी रीजनेबल हो आप कुछ भी इस तरीके से डिमांड ना करें जो अनरीजनेबल हो जिसको पूरा ना किया जा सके तो जब भी भी आप डिस्कशन करेंगे तो आप रियलिस्टिक प्रपोजल्स को सबमिट करेंगे और रियलिस्टिक ही आपके रीजनेबल काउंटर प्रपोजल होने चाहिए डिस्कशन के टाइम पर उनको अनरीजनेबल कोई भी आप इस तरीके के बात ना करें ईच पार्टी मस्ट साइन वंस इट हैज बीन कंप्लीटेड और जब डिस्कशंस हो जाते हैं निगोसिएशन हो जाता है बार्गेनिंग हो जाती है बातचीत के बाद तब जो भी सोल्यूशन निकला है तो दोनों ही पार्टीज इसको साइन करती हैं ये कंफर्म करने के लिए कि हम इन मुद्दों पे तैयार हैं आगे कम करने के लिए चाहे वो नियुक्त करता हो चाहे वो कर्मचारी हो ताकि बाद में कोई भी समस्या ना आ सके या कोई भी पक्ष इसमें ये ना कह सके कि हमारी हमारी इसमें सहमति नहीं थी और हम इस बात पर तैयार नहीं थे तो उस बात को फ्यूचर में कंफर्म करने के लिए दोनों ही पार्टीज का यहाँ पर एक सिग्नेचर ले लिया जाता है जो एज अ प्रूफ आप रखते हैं कि हमने जो भी डिस्कशंस किए हैं या इस डिस्कशंस के बाद बातचीत के बाद जो भी हम निष्कर्ष निकाल पाए हैं उसके लिए हम तैयार हैं तो ये आपके कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस के कुछ फीचर्स थे कुछ विशेषताएं थी जिन पे हमने बात करी आप समझ पाएंगे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग किस प्रकार से इस्तेमाल होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं चलिए अब डिस्कशन करते हैं आगे हम टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बारगेनिंग की कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के क्या क्या तरीके हैं क्या क्या ज़रिए हैं जिनके द्वारा हम बार्गेनिंग करते हैं तो इसको यहाँ पर हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है सबसे पहले आपका डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग दूसरा है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग और तीसरा है कॉन्शियसनरी बार्गेनिंग ठीक है तो हम तीनों को डिस्कस करेंगे बात करेंगे इन तीनों के बारे में शुरुआत करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग की डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग जो है वो बहुत ही कॉमन तरीका है बातचीत करने का आ, या डिस्कशन करने का आप कह सकते हैं इस इन्वॉल्व जीरो सम नेगोसिएशन इन अदर वर्ड्स वन साइड विन्स एंड द अदर साइड लूज इसमें क्या है कि हम जब बात करते हैं तो हम इस बात को बात करने से शुरुआत करते हैं कि हमारी जीत हो और दूसरे की क्या हो हार हो जाए एंड यूनियंस में यूनियन एम्प्लॉज में ट्राई टू कन्विंस मैनेजमेंट डेट दे विल स्ट्राइक इफ़ दे डोंट गेट वेजेस और वर्किंग कंडीशन दे डिज़ायर तो ये जो एक तरीका है डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग का ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में बातचीत की जाती है और जो यूनियंस हैं वो इस तरीके से अपनी बात को नियुक्तकर्ताओं के सामने रखते हैं कि अगर उनकी बातों को उनकी चीज़ों को पूरा नहीं किया गया या उनके हिसाब से कार्य नहीं किया गया तो वो स्ट्राइक कर देंगे या ऑर्गेनाइजेशन में आ, इस तरीके की कंडीशंस को ले आएंगे जहां पर वो कर्मचारियों से कार्य नहीं होने देंगे तो मैनेजमेंट इन टर्म मे बी विलिंग टू ट्राई टू राइड ही स्ट्राइक आउट स्पेशली इफ दे हैव क्रॉस ट्रेनड अदर वर्कर्स टू और हैव एक्सटर्नल रिप्लेसमेंट टू फिल इन फॉर दोज ऑन स्ट्राइक तो अगर मैनेजमेंट के पास रास्ता होता है इन कर्मचारियों को हटाने का और स्ट्राइक पे से दूसरे कर्मचारियों को हायर करने का या उनके पास कोई जरिया नहीं होता है तो वो उसी प्रकार से उनकी मांगों को उनकी अधिकारों को पूरा करने की कोशिश करते हैं इन दिस बार्गेनिंग यूनियन एंड मैनेजमेंट हैव इनिशियल ऑफर्स और डिमांड टारगेट पॉइंट्स रेजिस्टेंस पॉइंट्स एंड सेटलमेंट रेंजेस तो ये पहले से ही तैयार होकर आते हैं इनको मालूम है किन मुद्दों पे बात करनी है किन मुद्दों पे झुकना है किन मुद्दों पे अपनी बात पे अड़ग रहना है उन सारी चीज़ों को ये पहले से ही सोच के समझ के आते हैं और उस फॉर्म में ये डिस्कशंस अपना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर जो अप्रोच रहती है वो ये रहती है कि हम जीतें और सामने वाला हारे उस तरीके की बातचीत के तरीके को हम डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग का नाम देते हैं इसके अलावा दूसरा तरीका है जिसको कि हम इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग का नाम देते हैं ये जो तरीका है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है इसमें दोनों ही पार्टी चाहती हैं कि म्यूचुअली एक दूसरे को हम बेनिफिट देते हुए कोई सॉल्यूशंस निकालें इसमें उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हीं की जीत होनी चाहिए और उन्हीं की बातें और उन्हीं की मांगें पूरी होनी चाहिए और दूसरे पक्ष में कोई भी सफलता ना मिले या उसकी हार हो हमने अपनी बात को पूरी तरीके से रख पाएं ऐसी सोच नहीं रखते हैं इस बातचीत के दौरान इसमें वो म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करते हैं वो प्रॉब्लम्स पे डिस्कशंस होता है और उन प्रॉब्लम्स के म्यूचुअल सॉल्यूशंस पे वो बात करने की कोशिश करते हैं बोथ द इम्प्लॉयर एंड यूनियन ट्राई टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट बेनिफिट ऑफ बोथ दी पार्टीज दोनों के लिए ही बेहतर हो इस तरह से वो डिस्कशंस करते हैं इसके बाद आपका कॉन्शियसनरी बार्गेनिंग आता है इसमें इट इन्वॉल्व यूनियन गिविंग बैक टू द मैनेजमेंट सम वट ऑफ वॉट इट हैज गेंड इन दी प्रीवियस बार्गेनिंग ये जो तरीका है इसमें जो यूनियंस होते हैं अगर उन्हें प्रीवियसली बातचीत में या पिछले मैनेज पिछले बातचीत में जो उन्होंने करी है कलेक्टिव बार्गेनिंग और मैनेजमेंट ने उनके हित के लिए कुछ कार्य किया है या उनको अच्छे से ट्रीट किया था या अच्छे बेनिफिट्स दिए गए थे तो इस बार ट्रेड यूनियन जो है वो समेसिव फॉर्म में बात करते हैं और वो चाहते हैं कि मैनेजमेंट अब अपने तौर पर डिसीजन ले तो लेबर जो है वो इस तरीके की सारी जो चीज़ें हैं वो इसलिए करते हैं और ये 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 जो मूव है उनका या जो इस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं वो इसलिए हैं ताकि वो रिकग्नाइज़ कर सकें इन एम्प्लॉय रिड्यूसिंग कॉस्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ले ऑफ़ एंड दैट मोटिवेट्स कॉन्सनरी uh, बार्गेनिंग तो वो चाहते हैं कि उनके कर्मचारियों को वो जो संगठन के नियुक्तकर्ता हैं वो उनको ना निकालें ले ऑफ़ ना करें और उनके बारे में अच्छा सोचें या उनके लिए अच्छी चीज़ें करें इसलिए वो बहुत समेसिव होकर इस तरह की बातचीत को करते हैं और वो नियुक्तकर्ताओं को अपर हैंड देते हैं अपर हैंड प्रोवाइड करते हैं कीपिंग इन कंस्टिट्यूशन कि जब उन्होंने पहले उनके बारे में अच्छा सोचा था तो आज भी अगर वो कोई बातचीत करके कोई निष्कर्ष निकालेंगे कोई सोल्यूशन निकालेंगे तो वो कर्मचारियों के हित में ही होगा इस तरीके की बातचीत को हम कॉन्शियसनरी बार्गेनिंग का नाम देते हैं अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग जो सामूहिक जो आपकी बात हो रही है या बातचीत हो रही है उसको करने के लिए क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं इसमें सबसे पहले हम डेवलप करते हैं बार्गेनिंग रिलेशनशिप को जो बार्गेनिंग रिलेशनशिप है दो पार्टीज के बीच में जो एक डिस्कशन होने वाला है जो सामूहिक सौदेबाजी होने वाली है उसको डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक रिलेशनशिप तैयार किया जाए जिसके लिए हम रिकग्नाइज करते हैं कि बार्गेनिंग एजेंट कौन होगा कौन इस बात को करेगा वो पर्सन कौन होगा जिसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो डिसीजन मेकिंग ले सके लेवल ऑफ बार्गेनिंग क्या होगा किस लेवल पे बार्गेनिंग हो रही है उनमें क्या क्या मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे और उसका प्रोसेस क्या होगा तो इन चीज़ों को तैयार किया जाता है दूसरे स्टेप में प्रिपरेशन की जाती है नेगोसिएशन की किस प्रकार से एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है नेगोसिएशन की स्टेजेस हैं जिसको हमने दो भाग में बांटा है मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ एंड यूनियन स्ट्रैटेजीज़ दो तरीके की इसमें स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं और उसके बाद कलेक्टिव एग्रीमेंट लिए जाते हैं प्रोसीजर एग्रीमेंट हो सकते हैं और वो सब्सटेंसिव एग्रीमेंट के रूप में कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डेवलप और बार्गेनिंग रिलेशनशिप के बारे में जिसमें हम कह रहे हैं अंडरस्टैंड एंड डेवलप अ गुड बार्गेनिंग रिलेशनशिप सबसे पहले जरूरी है कि आप एक अच्छा एक रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करें कि जो आपके बार्गेनिंग होने वाली है दो दो समूहों के बीच में जो डिस्कशन होने वाला है उसमें एक बेहतर रिलेशनशिप है और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो अब कौन होगा वो जिसको कि हम एज अ बार्गेनिंग एजेंट यूज करेंगे कौन वो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको कई उसको चुनने के भी कई तरीके हो सकते हैं जैसे कि एक सीक्रेट बैलेट के द्वारा आप चयन करें कि कौन होगा जो आपकी बात को रखेगा और उस पर डिस्कशन करेगा या आप सिलेक्शन कर सकते हैं थ्रू दी वेरिफिकेशन ऑफ मेंबर बाय सम गवर्नमेंट एजेंसी अगर ज़रूरत है इसकी तो या बार्गेनिंग विद अ जॉइंट कमेटी विद ऑल मेजर यूनियंस के द्वारा आप कर सकते हैं आप बार्गेनिंग कर सकते हैं नेगोसिएशन कमेटी की जिनके डिफरेंट यूनियंस हैं और वो उस प्रपोजन में एक वैरिड मेम्बरशिप रखते हैं तो उनको आप आगे एज ए रिप्रेजेंटेटिव यूज़ कर सकते हैं बार्गेनिंग विद दिएशन कमिटेड विद कंसिस्ट ऑफ इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एवरी डिपार्टमेंट ऑफ दर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड बाई दी सीरेट बैलेट इस्पेक्टिव ऑफ द यूनियन एफिलियशन किस चीज़ से वो एफिलियेटेड है उससे मतलब नहीं है लेकिन उन्हें लगता है कि अगर पहले से इस कार्य को वो बेहतर तरीके से करते आए हैं और वो अगर उनका उनके पास इस तरीके का एक्सपीरियंस है तो आप उनको भी एज अ बार्गेनिंग एजेंट रिकोगनाइज कर सकते हैं लेवल ऑफ बार्गेनिंग क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो हर लेवल पे पॉसिबल है मतलब आप किस लेवल पे वो बार्गेनिंग कर रहे हैं वो डिपेंड करता है आपकी जो बातचीत का मुद्दा है वो क्या है आप एंटरप्राइज के लेवल पर भी बातचीत कर सकते हैं आप इंडस्ट्री लेवल पर भी बातचीत कर सकते हैं अगर कोई परेशानी है संगठनों में उनके कर्मचारियों के बीच में तो डिस्कशन इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हो सकता है और वो डिस्कशन कंट्री लेवल पे भी हो सकता है अगर कोई परेशानी है अमूमा तौर पे जो डिस्कशन की हम बात कर रहे हैं वो ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉज के एम्प्लॉयर्स के बीच में है नियुक्तकर्ताओं के बीच में है तो जनरली ये जो डिस्कशन है वो हमारा इंटरप्राइज के लेवल पे होता है इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो डिस्कशंस के फॉर्म में बातचीत की जाती है तो पहले जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि कलेक्टिव बारगेनिंग के जो मुद्दे होते हैं वो जनरली वेजेस के बारे में कैसे हम उनको बढ़ाएं, कैसे हम इम्प्लॉज़ के बोनस को उनकी सीनियरिटी को उनके प्रमोशंस पे ध्यान दें इन सब मुद्दों पे चर्चाएं होती हैं लेकिन आज का समय जैसे कि बदल रहा है एम्प्लॉयज़ की डिमांड बदल रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट बदल रही हैं तो इसके साथ साथ आज के समय पर और भी चीज़ें हैं जो इससे जोड़ दी गई हैं और इसके साथ और भी मुद्दों पर इन पर डिस्कशन किया जाता है जैसे वेजेस तो है ही एक मुद्दा इसके अलावा इनकी सर्विस कंडीशन कैसी होगी उनका जॉब कॉन्ट्रैक्ट कितना है टेम्प्रेरी है या पार्ट टाइम एम्प्लॉई हैं परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं किस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है वर्किंग कंडीशंस को क्या प्रोवाइड की जा रही हैं आज के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम फ्लेक्सिबल वर्किंग आर्ट्स या इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं उन सब पर भी बहुत हद तक चर्चाएं होती हैं बारगेनिंग कलेक्टिव बारगेनिंग में तो ये इसके स्कोप और कवरेज के अंदर कवर किए जाते हैं आगे बात करते हैं क्या प्रोसेस यूज़ किया जाता है किस तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है सामूहिक सौदेबाजी के लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके का उनका अनुभव है उनकी जानकारियाँ क्या हैं उनकी नॉलेज क्या है कितनी शिक्षा उनको है इस चीज़ के बारे में जब वो डिस्कशन कर रहे हैं इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलेशन ऑफ द कंट्री कंसर्ड जिस जिस जगह पर आप डिस्कशन कर रहे हैं वहाँ का जो लॉ है या वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं उनके बारे में आपको कितनी जानकारी है उनको कितना आप ध्यान में रखते हुए डिस्कशन कर रहे हैं पर्सनालिटी एंड ट्रेनिंग ऑफ द नेगोशिएटर भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल करता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है आपके बात करने का तरीका कैसा है कुछ लोग बड़े समस्व फॉर्म में बात करते हैं और सामने वाली बात को सामने वाले की बात को बहुत जल्दी मान जाते हैं कुछ लोगों की पर्सनैलिटी बड़ी ही डोमिनेंट होती है वो और वो अपने बात को इस प्रकार से रखते हैं कि सामने वाला उनको जवाब नहीं दे पाता द हिस्ट्री ऑफ लेबर यूनियन रिलेशंस कैसा है एंटरप्राइज में वो भी एक बहुत हद तक इस पर uh, फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का साइज ऑफ बार्गेनिंग यूनिट कितना है जो आपके uh, जो आपका साइज है ट्रेड यूनियन का वो कितना बड़ा है और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है आपके इंडस्ट्री का आपके एंटरप्राइज का उन सब चीजों से एक बहुत गहरा असर पड़ता है जब भी आप सामूहिक सौदेबाजी करते हैं इसके बाद दूसरा स्टेप आता है जिसमें हमने बात करनी है प्रिपरेशन ऑफ नेगोशिएशन की किस प्रकार से आप बातचीत करने के लिए तैयारी करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है दिस हैजिकम अप्री रिक्वजाइड टू द कलेक्टिव बार्गेनिंग पहले से ही आपको इसकी तैयारी करनी होगी इन व्यू ऑफ सेवरल रीजन जैसे कि कंसल्टेशन लोअर लेवल में Of the representative organization can help both the parties to obtain valuable information and एंड specific bargaining table approaches to तो अगर आप जब लोअर लेवल मेंबर से जो आपके यूनियन के जो लोग हैं जो संगठन जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनसे आप पूरी तरीके से बातचीत करते हैं तो आपको बहुत सारे मुद्दे पता चलेंगे आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ होंगी जिसके बिहाफ पर आप बात जब रखते हैं तो अपनी बात को बेहतर तरीके से रख पाएंगे आपका कंसल्टेशन प्रोसेस जो है वो बेहतर हो पाएगा और आप अपने कर्मचारियों के मोरल को भी बढ़ा पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन में आप सही तरीके से नेगोशिएशन कर पाएंगे एनी टेक्निकल असिस्टेंस अगर आपको कोई भी तकनीकी जानकारी चाहिए या कोई भी मदद चाहिए तो उसके लिए आप अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं कलेक्टिव बारगेनिंग प्रोसेस के लिए आप कोई लीगल या कोई ऐसा पब्लिक आ, एक, रिलेशन एक्सपर्टीज़ की आप मदद ले सकते हैं जो आपको इसमें मदद करें एंड फाइनली केयर शुड बी टेकन टू प्री प्लान दी म्यूचुअल कंसेंट्स ऑफ मीटिंग प्लेसेस कहाँ पर वो किया जाएगा किस तरीके के सेशंस को रखा जाएगा पब्लिसिटी रिलीज किस प्रकार से होगी पेमेंट कैसे होगा इन सारे ही अलाइड इश्यूज का आप पहले से ही तैयारी करके रखते हैं जब वो बातचीत शुरू होती है उससे पहले इसके बाद आपका जो स्टेप नंबर थ्री आता है जिसको हम एक्चुअल स्टेज और प्रोसेस कहते हैं जिसमें कि जब बातचीत हो रही है तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं जो बातचीत करने का तरीका है हमारा मैथडोलॉजी क्या है जो हमने प्रीवियस मैथड्स पढ़े थे जिसमें हमारे तीन तरीके से हमने डिस्कशंस को रखने की बात करी थी उनमें से हम किस प्रकार से अपनी बातचीत को शुरुआत करते हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इट विल हेल्प दीगोटी नेगोशिएटेड टू डेवलप द पर्सनल एंड मैनेजरल क्वालिटीज ऑफ द प्रिपेयरनेस नॉलेज एबिलिटी सेंजिटिविटी टाइमिंग एनालिटिकल एबिलिटीज कम्पोजर एंड पेशेंस आप किस प्रकार से अपनी बात को रखते हैं अपनी बात को शुरू करते हैं वो आपकी चीज़ों के बारे में बहुत हद तक जानकारी दे देता है सो दी क्वालिटी डेवलप्स एज ए रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस इन्वॉल्वमेंट एंड कॉन्शियस इंडिविजुअुअल अफर्ट एज वेल एज देयर एक्सपीरियंसिस तो इसमें दो स्ट्रैटेजीज के साथ आप कार्य कर सकते हैं मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के साथ आप आ सकते हैं या आपकी यूनियन स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हैं जिसमें कि आप डिटरमाइन करते हैं कि जनरल साइज और इकोनॉमिक पैकेज कैसा होगा कंपनी का किस प्रकार से आप नेगोसिएशन ऑफर कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्प्ले एंड सपोर्टिव डेटा आप किस प्रकार से प्रोवाइड करेंगे आपकी यूनियन स्ट्रैटेजीज में शामिल हो सकती हैं वेरियस इश्यूज जैसे आपने पास्ट में कोई नेगोशिएशन किया है उसका किस प्रकार से आपको रिजल्ट मिला था या किस प्रकार से आपने सोल्यूशन उसका निकाला था या आपके एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड और डिजायर क्या है कार्य करने के प्रति तो ये सारी स्ट्रैटेजीज को आप पहले से डिफाइन कर सकते हो और एट दी टाइम ऑफ नगोसिएशन आप इसको यूज कर सकते हैं इसके अलावा जो चौथा स्टेप है वो आता है कलेक्टिव एग्रीमेंट्स का जहां पर आप चाहते हैं कि आप ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढें जहां पर आप कलेक्टिवली राजी हों तो इसके लिए आपके पास प्रोसीजर एग्रीमेंट्स हैं या सब्सटेंसिव एग्रीमेंट हैं प्रोसीजर एग्रीमेंट्स में आप मशीनरी फॉर कंसल्टेशन का इस्तेमाल करते हैं नेगोशिएशन और आर्बिट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप ऐसे सोल्यूशन निकाल पाएँ दोनों ही इम्प्लॉयर्स एंड ट्रेड यूनियन जो उन सोल्यूशनस पे अग्री करते हो नेगोशिएशन राइट right क्या हैं उन दोनों पार्टीज़ के फैसिलिटीज ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफिशियल्स उनको क्या प्रोवाइड की जा रही है और डिसिप्लिनरी मैटर्स जिसपे वो अपनी बात को रख रहे हैं और सब्सटेंसिव एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करें तो इट सब्सटेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट ऑन दी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इम्प्लॉयमेंट एंड दे कवर पेमेंट्स ऑफ ऑल काइंड जैसे कि वे वेज रेट क्या होगा उनके शिफ्ट अलाउंसेस कितने होंगे उनको इंसेंटिव किस प्रकार से दिया जाएगा उनको छुट्टियाँ कैसे दी जाएंगी उनको फ्रिंज बेनिफिट किस प्रकार से दिए जाएंगे उनको पेंशन सिख पे वेरियस अलाउंसेस किस प्रकार से मिलेंगे तो इस तरीके से अगर एग्रीमेंट पे आप बात रखते हैं तो इन सारे मुद्दों पे भी आप चर्चा करते हैं आइए बात करते हैं कलेक्टिव बारगेनिंग प्रोसेस की जो अभी हमने स्टेप्स करे थे वो भी एक तरीके से प्रक्रिया थी कलेक्टिव बार्गेनिंग किस प्रकार से की जाती है लेकिन अभी फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो हार्वर्ड स्कूल हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रोग्राम के हिसाब से नेगोशिएशन का या कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो एक प्रोसेस है उन्होंने पांच स्टेप्स uh, का एक प्रोसेस बताया है कि किस प्रकार से कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस इम्प्लीमेंट किया जाता है uh, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले उसकी प्रिपेयर्डनेस एंड फ्रेमिंग की जाती है उसके पहले तैयारी की जाती है उसकी फ्रेमिंग की जाती है इन दिस फेज बोथ दी स्कूल एब्रॉड एंड दी यूनियन एग्जामिन देयर ओन सिचुएशन पहले अपनी वो सिचुएशनस को समझते हैं डेवलप करते हैं कि, कि किन चीज़ों पे किन बातों पे उन्हें डिस्कशन करना है और वो ये देखते हैं कि वो इस बात के लिए तैयार हैं बातचीत करने के लिए और सामने वाला इस चीज़ के लिए बात करने के लिए इन मुद्दों पे तैयार है या नहीं है तो दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट यहाँ पे अंडरस्टैंड किया जाता है और फिर उस बात को आगे बढ़ाया जाता है दूसरा जो इसमें बात होती है वो बार्गेनिंग ओवर हाउ टू बार्गेन किस प्रकार से वो बार्गेनिंग करनी है किस प्रकार से वो बातचीत शुरू करनी है इस बात पे तैयारी की जाती है दोनों पार्टीज हैं वो डिसाइड करती हैं कि जो गाइड्स जो रूल्स होंगे ग्राउंडेड रूल्स होंगे वो किस प्रकार से इस नेगोशिएशन को गाइड करेंगे और उनके जो लॉजिस्टिक हैं वो किस प्रकार से डिटरमाइंड होंगे कैसे वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे इन सब चीजों की तैयारी की जाती है बारगेनिंग ओवर हाउ टू बार्गेन उसके बाद ओपनिंग एंड एक्सप्लोरिंग ये वो स्टेप है जिसमें वो एक्चुअली में बात करना शुरू करते हैं

फोकस किया जाता है और अग्री किया जाता है उन पॉइंट्स पे उन मुद्दों पर जो कि आपने देखा कि निकल कर आए हैं सो दिस स्टेज कंप्राइज द टाइम वेन एंड वॉट इफ़ प्रपोजल आर सेट फॉर एंड ड्राफ्टिंग द एग्रीमेंट टेक्स प्लेस किस प्रकार से अगर हम इस मुद्दों पर मान जाते हैं या तय हो जाते हैं तो किस प्रकार से इनका कार्य होगा और ये सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे तो वो फोकस और एग्रीमेंट्स पे ध्यान दिया जाता है और उसके बाद जो भी आपने सोल्यूशंस निकाले हैं या जो सेटलमेंट्स आपने की हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है और एडमिनिस्टर किया जाता है उनको फिर लागू किया जाएगा और देखा जाएगा कि आपके जो सोल्यूशंस हैं वो कितने ही इफेक्टिव रहे और किस प्रकार से आपके जो सोल्यूशंस हैं वो कार्य करने में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में और नेगोसिएशन चेंज में बेनिफिशियल रहते हैं तो ये आपका एक फाइव स्टेज प्रोसेस है जो कि हार्वर्ड लॉ स्कूल ने दिया है फॉर द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बारगेनिंग इसके बाद हम बात करेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रैक्टिसेस की हमारे देश में कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रैक्टिसेस को किस प्रकार से लागू किया जाता है या उनका किस प्रकार से रोल है तो सबसे पहले हमने कहा है कि फॉर इफेक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग इन आर कंट्री रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन मस्ट बी डिटरमाइंड थ्रू वेरिफिकेशन ऑफ फीस मेंबरशिप मैथड आपका जो ट्रेड यूनियन है जो आप संगठनों में आ, लोग जो कर्मचारी जो हैं वो ये संगठन बना लेते हैं उसको वेरीफाई किया जाए कि वो जो यूनियंस हैं वो रजिस्टर्ड हैं और उसके जो मेंबर्स हैं उन्होंने एक फीस मेंबरशिप देकर उसको रजिस्टर्ड किया है द यूनियन हैविंग मोर मेंबरशिप शुड बी रिकोगगनाइज एज एन इफेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट और जिस यूनियन में ज़्यादा लोग होते हैं ज़्यादा ज़्यादा कर्मचारी होते हैं उसको रिकॉग्नाइज किया जाए कि ये एक बेहतर यूनियन है जो बेहतर तरीके से डिसीजन uh, मेकिंग कर पाएगा या कलेक्टिव बार्गेनिंग ये अच्छे बातचीत के साथ कर पाएगा द स्टेट शुड इनैक्ट सुटेबल लेगस्लेशन प्रोवाइडिंग फॉर द कंपल्सरी रिकोगनीशन ऑफ द ट्रेड यूनियन बाई द एम्प्लॉयर जो हमारी गवर्नमेंट है जो स्टेट है वो भी इस तरीके के लॉज और सुटेबल लेगिस्लेशन प्रोवाइड करे ताकि ट्रेड यूनियंस को एक रिकोगशन मिल सके और वो अपनी बात को सहमति के साथ रख पाएं। द प्रोविजन ऑफ पॉलिटिकल फंड बाई ट्रेड यूनियन मस्ट बी डन अवे विद सिंस इट्स इनवेलेबली इनकेजिज दी पॉलिटिशियंस टू प्रे अपॉन दी यूनियन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हमारे ट्रेड यूनियंस को प्रेशराइज ना कर सकें या उस तरीके से फंडिंग ना करें ताकि वो उन पर अपना जोर चला सकें और उनको अपनी मनमानी करने के लिए शिकार बना सकें स्टेट मस्ट प्ले अ प्रोग्रेसिव रोल इन इन रिमूविंग द पिटफॉल विच स्टैंड इन दे ऑफ म्यूचुअल एमिकेबल एंड वॉलेंट्री सेटलमेंट ऑफ लेबर डिस्प्यूट और जो गवर्नमेंट है जो स्टेट है उसे भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करना चाहिए और उन सारी कमियों को दूर करना चाहिए जो अगर रास्ते में आती हैं अगर एमिकेबल .E वे में अगर आपसी समझौते के तौर पे, अगर इंडस्ट्रीज़ में इन डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सकता है कलेक्टिव बार्गेनिंग के द्वारा म्यूचुअल ट्रस्ट के द्वारा जहाँ नियुक्तकर्ता और कर्मचारी दोनों ही तैयार हैं अपनी बात को एक दूसरे से करने के लिए और उनके सोल्यूशंस को ढूंढने के लिए तो कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस जो उसको करने में रोक रही है उसके लिए सरकार को थोड़ा सा और ज़्यादा प्रोग्रेसिवली कार्य करना चाहिए तो ये हमारे कलेक्टिव बार्गेनिंग के कुछ प्रैक्टिसज़ हैं जो इंडिया में हमारी कंट्री में हम फॉलो करते हैं इसी के साथ हम बात करते हैं स्रोतों की इस व्याख्यान के लिए हमने किन स्रोतों का इस्तेमाल किया है कहाँ कहाँ से हमने इस कंटेंट को कवर किया है तो ये कुछ स्रोत हैं जहाँ से हमने इन कंटेंट को कवर किया है और इसके साथ ही आज का व्याख्यान हम समाप्त करते हैं धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत